रायगड़ा रे अल्पके दुर्घटना रु बर्तिला विशाखापाटना कोरबा एक्सप्रेस भांगी जायतबा ट्रक ऊपर को चढ़ीबा पूर्व अटिकला ट्रेन मरामति परे स्वाभाविक हेला स्थिति। श्रीनगर बीएसएफ कैंप उपरे आतंकवादी आक्रमण, तीन जवान आहत, जने आतंकवादी निहत, आतंकवादी व सेना भितरे गुली विनिमय जारी। विजेपुर पाई सजबाज, आज बसिब विजेपिर कार्यकारिणी बैठक, शासक दल विरोध में प्रस्तुत होपे रणनीति, सेपटे विजेपि को मात देवा द्वितीय दिन में विजेडी जनसंपर्क पदयात्रा। केन्दुझर पशिले अनेशत झारखंड हाथी आतंकित, तो लोके व्यापक फसल नष्ट, वन विभाग सबु उद्यम फेल। अमेरिकार लॉस वेगास रे नरसंहार, होटल रे संगीत कार्यक्रम बेले आतताईर आखि बुजा गुलीचाळना, 69 मृत, 500 रु अधिक आहत। आक्रमण को पैसाचिक कहले राष्ट्रपति ट्रंप, आक्रमण पाई निजकु दायी कला आईएस। नवंबर भारत गस्तरे आसिब श्रीलंका टीम, श्रीलंका विपक्ष घरोई सीरीज पाई बीसीसीआई वेन्यू और तारीख घोषणा, डिसेंबर 20 रे बारबाटी स्टेडियम रे खेला जिबो टी20 सीरीज रो प्रथम मैच। एवं धनदात्री आवाहन पाई सजबाज, आसंता 5 रु गजलक्ष्मी पूजा, ढेंकानाल रे शेष पर्याय प्रस्तुति, मूर्ति व तोरण काम रे लागिछन्ति कारीगर। नमस्कार, न्यूज एट 9 को स्वागत करुछि मु स्मृति लग्ना। आसिबा संपूर्ण खबर को, बड़ धरणर दुर्घटना रो अल्पके बर्ती जायछि विशाखापट्टनम कोरबा एक्सप्रेस। गतकाली राती रे कोरबा एक्सप्रेस विशाखापट्टन रु बाहरी थिबा बेले रायगडा मुनिगुडा स्टेशन रे दुर्घटना रु बर्ती जायछि। भांगी जायतिबा ट्रक उपरे चढ़ीबा पूर्वरु अटके थिला ट्रेन, खास करे ग्यांग मानको उपस्थित बुद्धि जोगो सह सह यात्री अल्पके दुर्घटना रु बर्ती जायछन्ते। परे रेलबाई विभाग रो कर्मचारी घटनास्थल रे पहुंची ट्रक को मरामति करथिले, फलरे 2 घंटा परे स्वाभाविक होइथला ट्रेन चलाचल। अन्यपटे मुनिगुडा स्टेशन पूर्वरु यात्री माने 2 घंटा धरि अटके रहितबारु नाहि नथिबा असुविधार सम्मुखीन होइथिले। श्रीनगर बीएसएफ कैंप उपर आतंकवादी आक्रमण, श्रीनगर विमान बंदर निकट रे थिबा 182 बीएसएफ बैटालियन उपर होइथबा ए आक्रमण रे बीएसएफ रो 3 जवान आहत होइथबा बले जणे आतंकवादी होइछि निहत। भोर 4टा समय रे आतंकवादी माने बीएसएफ कैंप उपर आत्मघाती आक्रमण करथिले। सूत्र रु मिलथिबा खबर हिसाब रे 4 रु 5 आतंकवादी ए आक्रमण रे शामिल अछन्ति। बीएसएफ कैंप भितरे पसिबा को उद्यम करिछन्ति आतंकवादी। वर्तमान आतंकवादी और सेना भितरे गोली विनिमय जारी रहिछि। सेपटे आतंकवादी आक्रमण को देखि श्रीनगर विमान बंदर रे विमान चलाचल को बंद रखा जाइछि। गतकाली राति रे पुलवामा जिल्लार अवंतीपुरा रे आतंकवादी गुली माड़ रे स्थानीय पुलिस स्टेशन रो मुंशी आसिक अहमद कर मृत्यु घटिथिबा पुलिस कहिछि। एक बाहागर भोजि रु फेरिबा बेले आतंकवादी तांको उपरे करथिले गुली माड़। संपर्क में श्रीनगर विमान बंदर निकटर अधिक सूचना देखते आम प्रतिनिधि सामी उल्ला। इस वक्त श्रीनगर हवाई अड्डे के बिल्कुल सामने खड़े हैं और यहाँ सुबह करीबन 5 बजे के करीब जो है 182 बटालियन बीएसएफ पर फिदाइन अटैक हुआ है और अभी इस पूरे इलाके को कॉर्न ऑफ कर दिया गया है और इलाके में जो है किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मैं आपको बता दूँ, जहाँ फिलहाल हमें पुलिस सोर्स से मालूम हो पा रहा है 3 बीएसएफ के जवान जो है जख्मी हुए हैं और अभी भी जो है दोनों तरफ गोलीबारी जारी है। समीउला, ईटीवी न्यूज़, एयरपोर्ट, श्रीनगर। विजेपुर पाई बीजेपी रो सजबाज, आज बसिब बीजेपी रो राज्य कार्यकारिणी बैठक, बैठक रे बीजेपुर उपनिर्वाचन मुख्य प्रसंग होई पारे। बीजेपुर बाजीमात पाई कार्यकारिणी रे रणनीति प्रस्तुत करि पारे दल, एथिसहित राज्य रे विभिन्न प्रसंग उपरे मध्य आलोचना होई पारे। राज्य बीजेपी सभापति को समेत 2 केंद्रमंत्री बहु बीजेपी नेता एथिरे शामिल हेबे। सेपटे कार्यकारिणी बैठक पूर्वरु गतकाली बीजेपी रे शामिल होई सारिछन्ति अशोक पाणिग्राही। बरगड़ बरपाली रो जगन्नाथ नगर रे निजर सह सह समर्थक सहित विधिवत भाव रे बीजेपी रे जोग देइछन्ति पूर्वतन विधायक अशोक पाणिग्राही।
ସେପଟେ ବିଜେପି କୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେଡି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ ଦଳ। କେନ୍ଦ୍ରର ବିଫଳତା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯାହା କୁହନ୍ତି କାମରେ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିପାରିନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ହାତୀଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଅନେଶତ ହାତୀ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ କେନ୍ଦୁଝର ବାସିନ୍ଦା। ହାତୀପଲଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ହାତୀପଲ ଚମ୍ପୁଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଦ୍ରବ ମଚାଇଛନ୍ତି। ହାତୀପଲ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ସହିତ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଧନଜୀବନ। ଏହାଛଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କିଛି ହାତୀଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଡିଏଫ୍ଓ। ସରିଲା ଦଶହରା ଛୁଟି। ଦୀର୍ଘ ଛଅ ଦିନ ଧରି ଛୁଟିରେ ରହିଲା ପରେ ଆଜି ଖୋଲିବ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସତେଇଶରୁ ତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଦିନ ଧରି ଥିଲା ଦଶହରା ଛୁଟି। ସେଭଳି ଏକ ତାରିଖ ରବିବାର ଓ ଦୁଇ ତାରିଖ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଥିବାରୁ ଛଅ ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ସେଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଜି ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ ହେବ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା। ଆଲୋଚନାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ଚୋରା ଚାଲାଣ, ସୀମା ସୁରକ୍ଷା, ରୋହିଙ୍ଗା ଶରଣାର୍ଥୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ। ବାଂଲାଦେଶର ବର୍ଡର ଗାର୍ଡ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଭାରତ ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବିଜିବି ଡିଜି ମ୍ୟାଜ୍ ଜେନ୍ଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ବିଜିବିର ଚବିଶ ଜଣିଆ ଦଳ ଏ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଭଳି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ମୁଖ୍ୟ କେକେ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବେ। ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପରେ କୁଳପତି ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ସୋମବାରଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ଛୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଛୁଟି ଭାବରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସେପଟେ ବିଜେପିକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେଡି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ ଦଳ। କେନ୍ଦ୍ରର ବିଫଳତା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯାହା କୁହନ୍ତି କାମରେ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିପାରିନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ହାତୀଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଅନେଶତ ହାତୀ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ କେନ୍ଦୁଝର ବାସିନ୍ଦା। ହାତୀପଲଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ହାତୀପଲ ଚମ୍ପୁଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଦ୍ରବ ମଚାଇଛନ୍ତି। ହାତୀପଲ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ସହିତ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଧନଜୀବନ। ଏହାଛଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କିଛି ହାତୀଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଡିଏଫ୍ଓ। ସରିଲା ଦଶହରା ଛୁଟି। ଦୀର୍ଘ ଛଅ ଦିନ ଧରି ଛୁଟିରେ ରହିଲା ପରେ ଆଜି ଖୋଲିବ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସତେଇଶରୁ ତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଦିନ ଧରି ଥିଲା ଦଶହରା ଛୁଟି। ସେଭଳି ଏକ ତାରିଖ ରବିବାର ଓ ଦୁଇ ତାରିଖ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଥିବାରୁ ଛଅ ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ସେଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଜି ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ ହେବ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା। ଆଲୋଚନାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ଚୋରା ଚାଲାଣ, ସୀମା ସୁରକ୍ଷା, ରୋହିଙ୍ଗା ଶରଣାର୍ଥୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ। ବାଂଲାଦେଶର ବର୍ଡର ଗାର୍ଡ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଭାରତ ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବିଜିବି ଡିଜି ମ୍ୟାଜ୍ ଜେନ୍ଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ବିଜିବିର ଚବିଶ ଜଣିଆ ଦଳ ଏ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଭଳି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ମୁଖ୍ୟ କେକେ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବେ।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हिंसाकांड घटना पर कुलपति गिरीश चंद्र त्रिपाठी सोमवार ठारु अनिर्दिष्ट काल जाए छुट्टी नहीं चंती तेबे से निजर व्यक्तिगत कारण दर्शाई छुट्टी नहीं थिबा विश्वविद्यालय पक्ष कहुई आसंता नवेम्बर 30 तारीख में कुलपति भाव अवसर ने गिरीश चंद्र त्रिपाठी गत किद ते असदाचरण नहीं अनशन में बसी छात्री अनशन हटा पुलिस छात्री को लाठीमाड़ कर बहु छात्र छात्री आहत होते यहां विश्वविद्यालय उत्तेजना देखाई परिस्थिति शांत कुलपति किसी पदक्षेप नहीं ना अभियोग मानव संबल विकास मंत्रालय और केन्द्र सरकार पक्षर् घटना संपर्क में विश्वविद्यालय को रिपोर्ट मगा जाता काले निज निर्वाचन मंडली अमेठी गस्त करिबे राहुल गांधी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी यात्रा को जिला प्रशासन अनुमति प्रदान करिछि। दुर्गा पूजा विसर्जन थिबारु सुरक्षा दृष्टि स्थानीय जिला प्रशासन राहुल गांधी को सेठाकु जिबाकु अनुमति देइनथिला। अक्टोबर 6 तारीख पर आसिबाकु राहुल गांधी को चिठी लिखि गस्त को बातिल करबा पई अनुरोध करा जाइथिला। पार्वण समय रे जणे सांसद को निज निर्वाचन मंडली को जिबाकु दिया जाउ नाही एहा गणतंत्र रो हत्या बोली अभिजो करथिला कांग्रेस। जिला प्रशासन राहुल को गस्त को विरोध नुहे बरं सुरक्षा दृष्टिकोण गस्त को बारण करथिला बोली कहिछि। राहुल गांधी आसंता 4-6 तारीख भितर अमेठी गस्त करिबे। हैदराबाद रे प्रबल वर्षा जो तीन जन मृत्यु होई कांथ भुसुड़ी दुई जन मृत्यु होता बेले विद्युत तार संस्पर्श से आसी जनकर मृत्यु होई। नायडू नगर रे कांथ भुसुड़ी 4 मास पुओ सहित बापार होई मृत्यु से भली हुसानियालम रे विद्युत तार छिंडी पड़ जड़े 35 वर्षीय व्यक्ति मृत्यु हो गत संध्या समय 5 घंटा लगातार प्रबल वर्षा होगापर रास्त पा जमी रोड जाम हो फल ट्राफिक समस्या सृष्टि होता। लोकपाल दावी में पुणि थे आंदोलन प्रस्तुत होती समाजसेवी अन्ना हजारे तेरे देशर किसी प्रमुख कर्मकर्ता चिठी लिखि 7 और 8 अक्टोबर को रालेगांव सिद्धि डाकी अन्ना सेठे दुई दिन धरी कर्मकर्ता सहित ए संपर्क में विचार विमर्श कर आगक रणनीति प्रस्तुत करेंगे। पूर्व लोकपाल अन्ना हजारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चिठी लिखि सारी सरकार ए दिगरे पदक्षेप ने अन्ना हजारे पुणि थे आंदोलन देती चेतावनी। लोकपाल में यह शक्ति है, लोकतांत्रिक व्यवस्था ये निर्माण हो, ये लोकपाल का उद्देश्य था। इसलिए हम पीछे पड़े हैं, 6 साल से प्राण की बाजी भी लगाया, फिर भी अभी तक वो लोकपाल नहीं आ रहा है। इसमें और एक, अभी आपने पढ़ा होगा कि लोकपाल का धारा 44 क्या कर है। चलित वर्ष मेडिसिन नोबेल पुरस्कार घोषणा होई। 3 अमेरिकीय वैज्ञानिक जेफ्री सी हल माइकल रोसवास और माइकल डब्ल्यू यंग को नोबेल लगे मनोनीत तो करा जाई। नोबेल एकेडमी पक्ष स्टॉक होम रे एने घोषणा करा जाई। मानव शरीर में थिबा बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रण करुथिबा मॉलिक्युलर मेकानिज्म बा अणु प्रक्रिया को आविष्कार करथिबारो ए 3 वैज्ञानिकों को मिलबो नोबेल। 3 वैज्ञानिक मनुष्य पशुपक्षी उद्भिद किभली पृथ्वीर परिक्रमण सहित गति सहित खाप खुआई निज शरीर बेग को स्थिरीकृत करिथांती आविष्कार एजावत ए तथ्य तात्विक भाव में ज्ञात थिले हे आविष्कृत हो नथिला। प्रतिवर्ष मेडिसिन क्षेत्र ही नोबेल पुरस्कार घोषणा आरंभ होता है। पदार्थ विज्ञान रसायन विज्ञान साहित्य शांति और अर्थनीति लगे नोबेल विजेता ना घोषणा करा जाए। अमेरिकार लॉस वेगास रे नरसंहार मांडाले क्यासिनो होटल रे म्यूजिकल फेस्टिवल चलता समय आतताईर आखि बुजा गोली चालना एथरे 69 जन लोकंकर मृत्यु होता बेले 400 रु अधिक आहत होती। पुलिस गुड़े 64 वर्षीय आक्रमणकारी स्टीफेन पोड्राक मृत्यु होती। ए आक्रमण को विश्वव्यापी कर निंदा मृताहतों भितर कौन भारतीय नहांती आक्रमण पर निजक दायी कर आईएस आतंकवादी संगठन। आमेरिकारे पुणी गुलिकांड आतताईंको टार्गेट रे होटेल म्यूजिकल फेस्टिवल बेले फुटिला गुली पुणी थरे आमेरिकारे गुलिकांड
लॉस वेगास रो मांडले वे कैसिनो होटल रे म्यूजिकल फेस्टिवल चालीथिबा बेले आतोताई आखि बुझा गुली मारो करछि। सनसेट स्ट्रिप रो मांडल ले थिबा कैसिनो निकट रे एही अघटना घटिछि। हजार हजार लोकंक समागम मध्य रे केही किछि बुझी पारि नथिले। एथिरे 58 जण लोकंकर मृत्यु होइथिबा बेले 200 रु अधिक लोक आहत होइछन्ति। घटनास्थल रे ही 20 जणंकर मृत्यु होइथिबा लॉस वेगास रो मेट्रो पुलिस कहिछि। तेबे पुलिस रो पालटा जवाब रे आतोताई जणक प्राण हराइछि। से 64 वर्षीय स्टीफेन पाडोक एवं जणे अवसरप्राप्त अकाउंटेंट बोली सूचना देछि पुलिस। Now our suspect was identified as Stephen Craig Paddock, 64 years old, a white male from Mesquite, Nevada. We have no investigative information or background associated with this individual that is derogatory. The only thing we can tell is he received a citation several years ago, and that citation was handled as a matter of normal practice in the court system. लॉस वेगास रे 3 दिनिया रूट 91 हार्वेस्ट फेस्टिवल चलथबा बेले घटिछि एही अघटना। बहु प्रतिष्ठित गायक ओ संगीतज्ञ एथिरे भाग नउथबारु हजार हजार लोकंक भिड़ जमिथिला। तेबे आतोताई रे गुलीमाड़ जोगु जीवन विकल रे लोके भयरे धां धौड़ करथिले। एही समय रे मंच रे उपस्थित थिले प्रसिद्ध गायक जासन अलादीन। तेबे से सुरक्षित रहिछन्ति। आतोताईर बंधुकटी स्वयंचालित बोली अनुमान करा जाउछि। Just kept happening and happening. And there was very short increments where there was breaks in between the shots, but it literally felt like it just continued for 20 minutes straight. लॉस वेगास गुलीकांडकु निंदा करिछन्ति अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। ट्वीट माध्यमरे घटना को नहीं दुख प्रकाश करिबा सह मृताहतंक परिवार प्रति समवेदना जणाइछन्ति। We pray for the entire nation to find unity and peace, and we pray for the day when evil is banished and the innocent are safe from hatred and from fear. May God bless the souls of the lives that are lost. गत किछि वर्ष मध्यरे अमेरिका रे होटल ओ नाइट क्लब रे आतंकवादी आक्रमण रे बहु धन जीवन हानि होईछि। ब्यूरो रिपोर्ट पीटीवी न्यूज। दिल्ली रे उद्यापित होईछि नदी सुरक्षा पई सद्गुरुंक रैली फॉर रिवर अभियान। तबे दक्षिण भारतर आरंभ होइथबा ए रैली हिमालय दे दिल्ली रे शेष होईछि। देशर 30 टी नदी संरक्षण पई 16 टी राज्यर 7000 किलोमीटर अतिक्रम करिछन्ति सद्गुरु। रैली शेष होईछि हेले सद्गुरुंक अभियान जारी रहिछि। देशर नदी सुरक्षा पई संकल्प नेइथबा सद्गुरुंक रैलीर प्रथम मिशन दिल्ली रे शेष होईछि। सेप्टेम्बर 3 तारीख रे कोयंबटूर रु आरंभ होईथबा एही रैली देशर विभिन्न राज्य दे दिल्ली पहुंचीथिला। दिल्ली रे ग्रैंड शो जरिया रे रैली रे उपलब्धि संपर्क रे आलोचना होईथिला। ए अवसर रे सद्गुरु कहिछन्ति देशर नदी सुरक्षार वार्ता पहुंचेबा लागि रैली आरंभ होईथिला, किंतु अभियान एबे भी जारी रहिछि। Made an appeal that till 30th October they can call, because we want to give Delhi people also 1 month to call. So we wanted to reach 30 crore, let's see. By today I think we would have easily crossed somewhere between 13 to 14 crores we must be today. I've not checked yet, but we want to get to as close to 30 crores as possible. Rally for River अभियान नो शेष कार्यक्रम दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम रे आयोजित होइथिला। कार्यक्रम रे नेता कलाकार क्रीडाविद प्रमुख शामिल होइथिले। बहुत प्रोफाउंड थॉट है दुनिया के, न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। ये जिन चीज़ों पे लोग अमूमन ध्यान नहीं देते, ये बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है सदगुरु ने। सदगुरु का रैली फॉर रिवर अभियान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड दे दिल्ली में पहुंची थी।
उद्यापनी उत्सव में उपराष्ट्रपति भेंकैया नायडू समेत अनेक केन्द्रमंत्री सामिल होते भविष्य पीढ़ीपाई नदी सुरक्षार बार्ता पहुंचाई सद्गुरु राली को आगक नवाक समस्ते वो सद्गुरु जी के माध्यम से भी जो आएगा उसको पूरी गहराई गंभीरता सच्चाई से हम देखेंगे और जो भी देश हित में होगा समाज हित में होगा पर्यावरण के हित में होगा उसको पूरे जिसे कहते हैं कि मनोयोग से उसके ऊपर काम करेंगे। We have the will, you have the political will, administrative skill, and then people support, you'll be able to do it also. And I am sure that the governments of the day and in future, they will all understand this great challenge. दीर्घ एक मास धरी चलिथिबा एही रैली रे परिवेश बीत एवं आईन विशेषज्ञ एक पॉलिसी प्रस्तुत करबा आरंभ करछंती। खूब शीघ्र एहाकु केंद्र सरकार को प्रदान करा जिवो। एहा सह देशर कोटि कोटि जनता गोटिए मिसकॉल करी एही रैली रे शामिल होइथिले। आपण मध्य अभियान ने शामिल होंतु एवं 800-9800-9 रे मिसकॉल करंतु। सद्गुरुंक एही अभियान को विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री प्रतिष्ठित व्यक्ति विशेष एवं साधारण जनतांक समर्थन मिलिथिला। ईटीवी न्यूज नेटवर्क पूरा अभियान मीडिया पार्टनर रही निजर सामाजिक दायित्व निर्वाह करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। आमेरिकार प्रथम थर पर भारत को आमदानी होई अशोधित तैल आमेरिकार न्यू प्रस्पिरिटी नामक एक तैलवाही जहाज 1.6 मिलियन ब्यारेल अशोधित तैल आनी पारादीप पहुंची। पारादीप बंदर एसपीएम लगी जहाज तैल विशोधनागार पाइपलाइन जरिया ए तैल पारादीप स्थित तैल विशोधनागार प्रकल्प को जीव। तबे गत जून मासरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आमेरिका गस्तरे जाइथिबा बेले दुई देश भितरे अशोधित तैल आमदानी नै आलोचना होइथिला जहां साकार होइछि। ए अवसर रे तैल विशोधनागार प्रकल्प परिसर रे आयोजित उत्सव रे तैल मंत्रणालय जुग्म सचिव वैदेशिक मंत्रणालय जुग्म सचिव यूएस काउंसिल जनरल काथेरिन बी हड्डा आईओसीएल पाइपलाइन रो विभागीय निर्देशक प्रमुख जोग देथिले। आगामी 2018 सुधा 9 मिलियन मेट्रिक टन एलएनजी भारतीय तैल कंपनी आमदानी करिवो बोली वरिष्ठ अधिकारी माने कहिछंती। या द्वारा भारत और अमेरिका भितरे वाणिज्य क्षेत्र रे सुसंपर्क प्रतिष्ठा होई परिवो बोली अमेरिकार वरिष्ठ अधिकारी माने निजर मत रखिछंती। बुलेटिन जारी रहिबो खबर समय होइछ आ एक ब्रेक रो। कटक बारवाटी स्टेडियम रे खेला जिवो भारत एवं श्रीलंका भितर प्रथम टी20 मैच डिसेंबर 20 तारीख रे सीरीज रो प्रथम मैच खेला जिवो। 22 तारीख रे इंदौर रे द्वितीय एवं 24 तारीख रे मुंबई रे तृतीय मैच खेला जिवो। नवंबर रे श्रीलंका विपक्ष घरोई सीरीज पई बीसीसीआई वेन्यू एवं तारीख घोषणा करि सारिछि। नवंबर 16 तारीख रे कोलकाता रो ईडन गार्डन्स रे खेला जिवो 3 टिकिया टेस्ट सीरीज रो प्रथम मैच। तबे नवंबर 24 तारीख रे द्वितीय टेस्ट एवं डिसेंबर 2 तारीख रो दिल्ली रो फिरोजशाह कोटला ग्राउंड रे खेला जिवो मैच। टेस्ट सीरीज परे श्रीलंका 3 दिनिकिया मैच खेलिबो। डिसेंबर 10 रे धर्मशाला रे प्रथम दिनिकिया, 13 रे मोहाली रे द्वितीय, 17 तारीख रे विशाखापाटना रे तृतीय दिनिकिया मैच खेला जिवो। आईसीसी दिनिकिया बैटिंग मान्यता रे टीम इंडिया अधिनायक विराट कोहली नंबर 1 स्थान बजाय रखिछंती। इनफॉर्म बैट्समैन रोहित शर्मा टॉप 5 को फेरिछंती। ऑस्ट्रेलिया विपक्ष सीरीज रे टॉप स्कोरर थिबा रोहित 4 स्थान ऊपर उठि पंचम स्थान रे पहुंची सारिछंती। तबे सीरीज रे रोहित शर्मा 296 रन करथिले। सपटे अजिंक्य राणे 4 स्थान ऊपर को उठि 24 स्थान रे पहुंचिछंती। केदार जाधव 36 स्थान रे रहिछंती। बोलिंग रे दक्षिण अफ्रीकार लेग स्पिनर इमरान ताहिर प्रथम स्थान रे रहिथबा बेले ऑस्ट्रेलिया पेस बॉलर हाजल जौर द्वितीय स्थान रे रहिछंती। षोहळ भरणी बाद्य शुणिले सिंहरे उठे देह आउ मन। विशेषकर तंत्रपीठ सुवर्णपुर तंत्र पूजा बेले ए बाद्य बाजि थाए। ऐतिहासिक बळीजात्रा समय षोहळ भरणी बाद्यर ताळे ताळे बळी करिथाए नृत्य आउ से बाद्यर व्यवहार होइथाए अलौकिक महिमार चेप्टा ढोल। सुवर्णपुर सहरर खम्बेश्वरी मंदिर
ଦେବୀଙ୍କ ଆଗରେ ଚେପ୍ଟା ଢୋଲ ଉପରେ ସବାର ମହାବଳୀ ବାଜୁଛି ଷୋହଳ ଭରଣୀ ବାଦ୍ୟ। ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ କଳା ଧଳା ଛତ୍ର ଧରି ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ମହାବଳୀ। ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ତିଆରି ଏହି ଚେପ୍ଟା ଆକୃତିର ଢୋଲର ବାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଦେବୀ ବରୁଆ ଦେହରେ ସବାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ରାଜପୁରୋହିତ ବରୁଆକୁ ବସାଇଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ। ମନ୍ତ୍ରପୂତ କରିବା ପରେ ପାଟ ଢୁଲିଆର ଷୋହଳ ଭରଣୀ ବାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଚାରିଘରିଆଙ୍କ ଡୁବିରେ ଝୁମି ଉଠୁଛି ବଳି। ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟରୁ ସେଇଟା ଯେନ୍ ଷୋହଳ ଭରଣୀ ବଜା ଭରଣୀରୁ ଛାଡ଼ନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷୋହଳ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ, ଷୋହଳ ପ୍ରକାର କାଠି, ଷୋହଳ ପ୍ରକାର ଖାଡ଼ି, ଯାହାକି ଆମେ କହୁଛୁ ଷୋହଳ ଭରଣୀ ବଜା, ସେଇଟା ଷୋହଳ ପ୍ରକାର ବରୁଆର ତାର ତାମାନେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାମାନେ ତାର ଅବସ୍ଥାକେ ନେଇକରି ସେଇଟା କରାହେଇଛେ। କେବଳ ଅଶ୍ୱିନ ମାସେ ହିଁ ସେ ଢୋଲ ବାହାରିସି ଭଟାକେ, ଆଉ ବଳିଯାତ୍ରାରେ ସେଟା ପୁରା ଦେବୀ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅଛେ, ସେ ଚେପ୍ଟା ଢୋଲ ଆଗ ପୂଜା ପାଉଛେ, ତାପରେ ବଳି ପୂଜା ପାଉଛେ। ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଏହି ବଳିଯାତ୍ରାରେ ଷୋହଳ ଭରଣୀ ବାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ସେବାୟତ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପାଟ ଢୋଲଟି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜଜେମା ସୋନପୁରକୁ ବହୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଢୋଲଟି ଉପହାର ଭାବେ ଆଣିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ତିଆରି ଏହି ଢୋଲର ଓଜନ 18 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ସୋନପୁରର ବଳିଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରାରେ ଏହି ଚେପ୍ଟା ଢୋଲର ସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି। ଏଇଟା ଏମିତି ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟ ଉପରେ ସବାର ହୋଇ ବଳି ଦେବତା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, କଳା ଧଳା ଛତ୍ରକୁ ଧରି ବା ବାଉତି ଛତ୍ରକୁ ଧରି। ଏଇ ଢୋଲରେ ଷୋହଳ ଭରଣୀ ବାଦ୍ୟ ବାଜେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଷୋହଳ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ। ଶାକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ ବାଦ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଷୋହଳ ଭରଣୀ ବାଦ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଐତିହାସିକ ବଳିଯାତ୍ରାରେ ଚେପ୍ଟା ଢୋଲର ଷୋହଳ ଭରଣୀ ବାଦ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରଖିପାରିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ତୀର୍ଥବାସୀ ପଣ୍ଡା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମେଲାଣି ନେଇଛନ୍ତି ଜଗଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଏବେ ଧନଦାତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସଜବାଜ। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜିବେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। 11 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ପୂଜା ପାଇଁ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଲା ବିଶାଖାପାଟଣା କୋର୍ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଟ୍ରାକ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଲା ଟ୍ରେନ୍, ମରାମତି ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ସ୍ଥିତି। ଶ୍ରୀନଗରରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, 3 ଯବାନ ଆହତ, ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ସେନା ଭିତରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି। ବିଜେପୁର ପାଇଁ ସଜବାଜ, ଆଜି ବସିବ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ। ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ ରଣନୀତି, ସେପଟେ ବିଜେପିକୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା। କେନ୍ଦୁଝରରେ ପଶିଲେ ଅନେଶ୍ୱର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀ, ଆତଙ୍କିତ ଲୋକେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ବନ ବିଭାଗର ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ଫେଲ୍। ଆମେରିକାର ଲସ୍ ଭେଗାସରେ ନରସଂହାର, ହୋଟେଲରେ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ ଆତତାୟୀର ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା, 69 ମୃତ, 500ରୁ ଅଧିକ ଆହତ। ଆକ୍ରମଣକୁ ପୈଶାଚିକ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ, ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କଲା ଆଇଏସ୍। ନଭେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟିମ୍। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଭେନ୍ୟୁ ଏବଂ ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ T20 ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍। ଧନଦାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ସଜବାଜ, ଆସନ୍ତା 5ରୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ତୋରଣ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କାରିଗର। ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।